फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे बराकर ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जो ब्लाउज का साइज है अपर चेस्ट के हिसाब से होगा। आपके अपर चेस्ट अगर 33, 32 या 34 होता है उस टाइम पे इसी मेजरमेंट से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। ये जो ब्लाउज है इसका अपर चेस्ट है 33 इंच, तो आपको पूरा मेजरमेंट साइट पे देखिए मिल जाएगा, वहां से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे एक ब्लाउज पीस है, साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस रहता है वो मैंने यहाँ पे कटिंग करके लिया और टोटल यहाँ पे 85 सेंटीमीटर फेब्रिक है। मैं हमेशा जिस तरीके से कटिंग करती हूँ उसी तरह पहले आपको बैक पार्ट काटना है। फेब्रिक को मैंने टू फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से जॉइंट साइड है। सबसे पहले आपको लंबाई लेना है, लंबाई आपको अपने हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पे 14 इंच ब्लाउज का लंबाई लिया। यहाँ पे देखिए शोल्डर डीप नेक के हिसाब से होगा, तो 5.5 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया और आर्म होल यहाँ पे देखिए 1/4 इंच है। यहाँ से देखिए 6 इंच है, 2 सूत मैंने कम लिया। आपको आर्म होल अपने हिसाब से लेना है। अब इसको सीधा मैंने मिला लिया। अभी छाती का चौथा हिस्सा लेना है, तो 8 इंच से लगभग 2 सूत ज़्यादा यहाँ पे रख देना है। अभी इसके साथ में 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी। देखिए जस्ट इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए टोटल मैंने अपर चेस्ट का चौथा भाग लिया, यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया एक्स्ट्रा। तो जितना मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया इसी फैब्रिक से फिटिंग्स करते वक्त जितना भी लूजिंग रखना है वो मैं यहाँ से रखूंगी, लेकिन कटिंग करते वक्त हमें नहीं लेना है, सिलाई करते वक्त हमें लेना है। यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। अभी देखिए यहाँ से मैं 1 इंच से बिल्कुल यहाँ से जो निशाना है यहाँ से 1 इंच पे हमें आर्महोल के लिए निशाना देना है। टोटल जितना यहाँ पे अपर चेस्ट है उससे मैं 1/2 इंच कम रखूंगी कमर के लिए। इस तरीके से लेने से क्या होता है, अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। अगर आपको इस तरह से दिक्कत होता है उस टाइम पे आप अलग से मेजरमेंट कमर के लिए ले सकते हो। जितना आपका कमर का मेजरमेंट है उतना पहले लेना है, लेने के बाद आपको मिनिमम 2 इंच एक्स्ट्रा रख देना है, तब हो जाएगा बराबर यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखिए नेक का चौड़ाई में 2 इंच रखूंगी। डीप अपने हिसाब से ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। नीचे की तरफ से आपको 4 इंच रखना है। ये जो डीप है बहुत ज्यादा भी नहीं है और यहाँ पे छोटा भी नहीं है, इतना लेने से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। अभी आप चाहो तो यहाँ से भी सीधा ले सकते हो, देखिए लगभग हमें 10 इंच पे हो गया है, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए पहले आप 2.5 इंच रख दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले 2.5 इंच सीधा कर लो इसको। उसके बाद यहां से शेप लगा लो। मुझे यहाँ पे राउंड शेप रखना है, तो राउंड शेप हो गया है। यहां से लगभग 1 सूत या 1.5 सूत डाउन करना है ऐसे, तब क्या होता है शोल्डर गिरने का चांस बहुत ही कम रहता है। और बैक साइड पे हम जो टक्स है आपको जरूर ये टक्स लगा लेना है। बैक साइड का टक्स सही तरीके से नहीं होने से यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा रिंकल्स होगा। ऊपर की तरफ आपको 5.5 इंच उठा लेना है। तो यहाँ पे बैक साइड कंप्लीट हो गया है, अभी हमें कट कर लेना है। यहाँ से हमें स्लीव्स के लिए मेजरमेंट लेना है। देखिए 8 इंच से लगभग 1 सूत ज्यादा है, तो जितना मिला है उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेना है, तो 9 इंच से मैं लगभग 1 इंच ज्यादा रखूंगी स्लीव्स का चौड़ाई। आज देखिए ये जो स्लीव्स है आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी। पहले आपको स्लीव्स का लंबाई लेना है। देखिए स्लीव्स पर जो डिजाइन है, डिजाइन का फैब्रिक सीधा नहीं है, हल्का सा तिरछा है, तो जैसे मैंने कोशिश किया थोड़ा सा सीधा करने के लिए। उसके बाद जितना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकती मैं, तो इसके ऐसे रख दूंगी। अभी यहाँ पे लंबाई लेना है। टोटल देखिए लंबाई मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेकर 10.5 इंच रखूंगी। इसको सीधा मिलाना है 10.5 इंच पे।
अभी देखिए स्लीव्स का चौड़ाई लेना है, स्लीव्स का चौड़ाई कितना चाहिए था 9.5 इंच, लेकिन यहाँ पर जॉइंट साइड है, यहाँ से ओपन साइड है। आज देखिए मैं इस साइड से रखूंगी स्लीव्स का चौड़ाई, देखिए 9 इंच से 1 सूट ज्यादा तो यहाँ पे हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए कितना फेब्रिक एक्स्ट्रा है, लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो जितना फेब्रिक एक्स्ट्रा है इसी फेब्रिक से मैं यहाँ पे हल्का सा शोल्डर की तरफ यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी, तब देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे यहाँ से इसका चौड़ाई लिया था। अभी देखिए यहाँ से नीचे की तरफ हमें लेना है, चाहो तो यहाँ से भी इसको हल्का सा नीचे ना दे के रख सकते हो, तब आपको समझने में इजी होगा, इतना सा फेब्रिक एक्स्ट्रा है। अगर आपको पफ नहीं रखना है ऊपर की तरफ उस टाइम पे, ये जो एक्स्ट्रा मैंने लिया ये लेने का आपको जरूरी नहीं है, आप सीधा जहां पे 9 से 1 सूट ज्यादा होता है आप उतना तक लीजिएगा। यहां से देखिए यहां से 4.5 इंच नीचे की तरफ रख दूंगी, इसको तिरछा करके मिलाना है इसके साथ, जो मैंने यहाँ पे निशाना दिया था इसके साथ मिलाना है। अभी यहां से हमें बिल्कुल यहां से 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है, अभी यहां से शेप देना है। इसको ऐसे ही तिरछा कर दो, हो गया है। अभी यहां पे देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसको थोड़ा सा ऐसे देना है, ज्यादा नहीं। ये जो स्लीव्स है इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है, देखने में अच्छा लगता है, हो गया है, काट कर लेना है। फ्रंट के लिए हल्का सा शेप देना है। यहाँ पे काट लगा के रख देना है, ये फ्रंट की तरफ रहेगा, सिलाई करते वक्त आपको बहुत ही इजी होगा। अभी यहां से फ्रंट पार्ट लेना है, ये जो बैक पार्ट है पहले इसको बराबर मिला लो, अब इसके हिसाब से निशाना लगा लेना है। इसको हटा लेना है, डीप नेक पे फ्रंट के लिए शेप देने का जरूरी नहीं होता है, यहां तक बैक पार्ट है, लेकिन यहां से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है 1.5 इंच से पूरा ब्लाउज का यहाँ पे सिलाई मार्जिन कंप्लीट होता है या नहीं। देखिए 1.5 इंच लेने से कोई भी साइज का हो, ब्लाउज का जितना भी सिलाई मार्जिन चाहिए पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये जो पहले का निशाना है इसके हिसाब से नहीं काटना है, इसके हिसाब से हमें कटिंग करना है। शोल्डर से हमें फ्रंट नेक के लिए लेना है, यहाँ पे देखिए आप चाहो तो 7 भी ले सकते हो, 7.5 इंच भी ले सकते हो, 7.25 भी ले सकते हो, जितना आप यहाँ पे चाहो आप उसी हिसाब से फ्रंट पे नेक डीप ले सकते हो। 7.5 इंच लेने से देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, फ्रंट की तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ रहता है। जिनको फ्रंट पे छोटा नेक पसंद है वो यहाँ पे 7 इंच ले सकते हो। अभी नेक का चौड़ाई यहाँ पे देखिए आप 2.5 इंच भी ले सकते हो और 3.25 इंच भी ले सकते हो। जिनको बैक साइड पर डोरी देना है वो यहाँ पे 3.25 लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे 2.5 इंच लीजिएगा। अब यहाँ पे गुलाई देना है, गुलाई देखिए आप इस तरीके से भी दे सकते हो, या चाहो तो और भी फैला के दे सकते हो, या चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो, आप इस तरीके से भी ब्लाउज का गुलाई दे सकते हो। ऐसे देने से क्या होता है फ्रंट की तरफ थोड़ा सा भी की तरह होता है, जिनका बहुत ही छोटा नेक पसंद है वो इस तरीके से दे सकते हो। अभी देखिए मेन मेजरमेंट जो ज्यादातर लोगों का दिक्कत होता है, यहाँ पे बास्ट पैंट लेने में ज्यादातर लोगों को दिक्कत होता है, उनको समझ में नहीं आता है, मैं जिस तरीके से लेती हूँ उनको थोड़ा सा डाउट रहता है। देखिए आप जिस तरीके से प्रिंसेस का ब्लाउज का बास्ट पैंट निकालते हो उसी तरह भी यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर आपका बास्ट पैंट 10 इंच है तो पहले 10 इंच पे आप यहाँ पे निशाना लगा लो शोल्डर से जितना बास्ट पॉइंट है, इसके साथ आपको सिर्फ यहाँ पे 2.25 इंच ऐड कर लेना है,
बाकी और कुछ भी नहीं करना है। अभी यहाँ पे आप बोल सकते हो 1.25 इंच क्यों लेना है, अभी मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। और नॉर्मली मैं किस तरीके से लेती हूँ, देखिए यहाँ से मैं लेती हूँ 6 इंच यहाँ से, और फिर यहाँ से मैं लेती हूँ 1.25 इंच। हो गया ना यहाँ पे बराबर सेम मेथड पे यहाँ पे आ गया है। अगर आपका यहाँ पे 12.9½ इंच है उस टाइम पे आप 9½ इंच रख दो, फिर आप 1.25 इंच इसके साथ एक्स्ट्रा रख दो, हो गया है। तो इसी तरह से होता है, लेकिन ब्राकेट ब्लाउज पे आपका 10 इंच पे 12.5 इंच ज्यादातर होता है, इससे ज्यादा भी होता है। प्रिंसेस कट ब्लाउज पे थोड़ा सा कम होता है, ऊपर की तरफ होता है, लेकिन ब्राकेट पे थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। अभी देखिए यहाँ तक 6 इंच मैंने लिया और यहाँ तक, और यहाँ से मैंने 1.25 इंच लिया। अभी यहाँ से हमें कटोरी के लिए लेना है, पहले इसको सीधा कर लेती हूँ। अभी देखिए यहां से इस साइज के लिए 7 भी ले सकते हो, 6½ भी ले सकते हो, 7½ भी ले सकते हो, जितना आपको चाहिए आप अपनी कटोरी की फुल बास्ट के हिसाब से लीजिएगा। जिनका फुल बास्ट जितना ज्यादा है वो कटोरी का साइज उतना ही ज्यादा लीजिएगा। अगर आपका फुल बास्ट बहुत ही कम है उस टाइम पे 6½ इंच लीजिएगा, फुल बास्ट थोड़ा ज्यादा है तो 7 लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेवी हो तो 7½ इंच लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है, इस साइज के लिए सिर्फ उतना ही लेना है, फुल बास्ट ज्यादा हो तो उसी हिसाब से आपको लेना है। और अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते हो उस टाइम पे आपको पता होगा मैं किस तरीके से मेजरमेंट लेती हूँ, अलग से इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप लोग वहां पे देख सकते हो। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे 7½ इंच रखूंगी, जितना मिला है उसको मैं ऐसे हाफ कर लूंगी। फिर यहां से देखिए बिल्कुल यहां से 1 इंच से 3 सूत। अगर आपको शेप ज्यादा उभर हुआ नहीं चाहिए तो 1 इंच से 2 सूत, अगर उभर हुआ चाहिए तो आप 1 इंच से 3 सूत लीजिएगा। इस साइड पे भी सेम तरीके से आपको लेना है। अभी यहां से थोड़ा सा आपको ऐसे दबा के देना है, देखिए इस तरीके से, मैं दूसरा कलर से आपको समझाती हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे दबा के देना है। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। अभी देखिए कहाँ से आपको लेके आना है, यहां से आप चाहो तो 5 इंच 5½ 6 इंच कहीं से भी आप ये निशाना ला सकते हो। अभी इस साइड पे थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके जाना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा, कोई भी साइज का हो, 2 सूत या 3 सूत लेके जाना है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग होता है और ये उरेब भी नहीं है। अगर आप उरेब करते हो उस टाइम पे जरूरी नहीं होता है, और उरेब नहीं होता है तो, और उरेब नहीं होता है उस टाइम पे थोड़ा सा बाहर की तरफ देने से अच्छा होता है। अब इसको तिरछा करके आप ऐसे मिला लो, हो गया है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बाकी पूरा कम्प्लीट हो गया है। नीचे का पार्ट देखिए, 3½ इंच लेने से हो जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे 1/2 इंच ज्यादा ही लेती हूँ, मैं 4 इंच रखती हूँ हमेशा। यहां से 1/2 इंच, यहां से 1 इंच से 3 सूत, यहां से 1/4। अभी यहाँ से इसका लंबाई कितना लेना है, नीचे का जो पार्ट है इसको पहले मिडल निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है, इतना, लेकिन इसको सीधा नहीं तिरछा कर लेना है, मिनिमम 1½ इंच आपको तिरछा कर लेना है। हो गया है, फिर भी नीचे की तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा रहता है, वो बाद में हमें काट कर लेना है। अभी नीचे का बेल्ट रह गया है, बेल्ट के लिए देखिए बैक पार्ट लेना है, इसका जो चौड़ाई है चौड़ाई के हिसाब से हमें लेना है। देखिए यहाँ पे तिरछा होगा, इस साइड पे हल्का सा आपको ऐसे दबा के देना है, सिंपल तरीके से ऐसे ही रख दो। अभी यहाँ पे देखिए 4½ इंच रखूंगी, इतना जरूरी नहीं होता है, फिर भी मैंने ज्यादा ले लिया। जिस साइड पे हुक होगा ये उस साइड पे होगा और ये फिटिंग साइड पे होगा। यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हमें काट कर लेना है।
यहाँ पे रह गया है, जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने लिया था उतना यहाँ पे भी लेना है। আজকে 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 হলুদ নিমন্ত্রণ, আজকে আজকে নিমন্ত্রণ করে। यहाँ पे देखिए लगभग 4.5 इंच से, यहाँ पे देखिए लगभग 5.5 इंच से, एक सूत कम है लेकिन उतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा और भी कम कर लेना है यहाँ पे। फाइव इंच से एक सूत ज्यादा है और इस साइड पे हमें 4.5 इंच लेना है, तो यहाँ पे बराबर हो गया है बेल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा ब्लाउज कटिंग कंप्लीट हो गया है और सिलाई का वीडियो आपको सेकंड पार्ट पे मिल जाएगा, सेकंड पार्ट जरूर देखना। ज्यादातर लोग सिलाई का वीडियो नहीं देखते हैं जिसके कारण आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सिलाई का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ तक पसंद आने पर आप लोग वीडियो का जरूर लाइक कमेंट कीजिएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।